ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको COVID-19 के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मुझे COVID-19 का मैंने टेस्ट कराया 17 जून को और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई 19 जून को। स्टार्टिंग में मुझे 13 तारीख से ही फीवर था, 4 दिन तक कंटिन्यूस फीवर था, तो मैंने सोचा कि मैं टेस्ट करा लूँ। और मैंने जाके सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में अपना टेस्ट कराया, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई 19 जून को। तो जैसे ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मुझे सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन आया और मुझे बोला गया कि आपको हम हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और वहाँ पे आपका ध्यान रखेंगे। तो मुझे 19 तारीख की शाम को हॉस्पिटल में लेके चले गए और वहाँ पे मुझे एडमिट कर दिया गया। तो वहाँ पे एडमिट करने के बाद उन्होंने दवाइयाँ स्टार्ट की। दवाइयाँ जो उन्होंने स्टार्ट की उसमें सबसे ज़्यादा क्या था रोल था कि आपका बुखार कैसे उतारना। तो उन्होंने पैरासीटामोल की टेबलेट्स प्लस विटामिन सी की टेबलेट्स तीनों टाइम देने के लिए स्टार्ट कर दिया, और जिसके बाद मेरा बुखार 23 तारीख से उतरना स्टार्ट हो गया और मुझे 25 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको टोटल 17 डेज घर पे क्वारंटाइन रहना है, जिसके बाद आप ठीक हो पाएंगे। तो ये स्टार्टिंग फेज थी जहाँ पे हॉस्पिटल से एडमिट होने के बाद मैं घर आ गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं ठीक हो पाया, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, सबसे पहली चीज़ है आपको काढ़ा। काढ़ा सबसे इम्पोर्टेंट है इसको ठीक करने के लिए। तो आपको काढ़ा कैसे बनाना है, 4 कप पानी लेना है, उसके अंदर 2 मोटी इलायची डालनी है काले वाली, 2 छोटी वाली हरे वाली इलायची डालनी है आपको, 1 लौंग, दालचीनी डालनी है ऑरेंज कलर वाली, 1 अदरक का छोटा सा पीस और 2 दाने काली मिर्च। 4 कप में ये डाल के 4 कप पानी में इसको इतना उबालना है कि आपका जो काढ़ा है 1 कप रह जाए। जैसे जो 1 कप रह जाएगा आपको, वो दिन में आपको 3 टाइम पीना है, 4 घंटे के अंतराल में आपको पीना है 3 टाइम। इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपको गिलोय का जूस। गिलोय का जूस इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गिलोय का जूस आपको दिन में 2 बार पीना है, 1 बार सुबह आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद और शाम को डिनर करने के बाद। तो गिलोय के जूस, ये आपको मैं बोतल भी दिखा देता हूँ गिलोय के जूस की, इसको आपको 20 से 25 ml लेना है और उतना ही आपको पानी मिलाना है और एक ही बार में उसको पी जाना है। तीसरी चीज़ है आपको दिन में 3 से 4 लीटर गर्म पानी पीना है, सिप सिप करके पीना है, ऐसे एक ही बार में नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना, बट आपको पानी मैक्सिमम जो पीना है वो गर्म पानी ही पीना है, क्योंकि गर्म पानी जब आप पीते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और आप जल्दी ठीक होने के चांसेस होते हैं। चौथी चीज़ है आपको, अगर आपको खांसी है, खांसी तो आपको क्या करना है, गर्म पानी में नमक डाल के और हल्दी डाल के गरारे करने हैं दिन में 3 टाइम करने हैं। 1 बार सुबह खाली पेट करना है, उसके बाद फिर लंच के बाद करना है और शाम को फिर डिनर से पहले करना है आपको गरारे करने हैं उसके। तो जिससे आपको क्या होगा कि आपकी खांसी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। आपको सिट्रस फ्रूट खाने हैं सिट्रस फ्रूट खाने हैं आपको, तो उसमें आप मौसमी खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। तो दिन में आपको खाते रहना है फ्रूट्स, थोड़ा थोड़ा अंतराल में आपका मन नहीं करेगा बट आपको फिर भी सिट्रस फ्रूट काफ़ी खाने हैं। आपको गर्म दूध पीना है डिनर के बाद, उसमें हल्दी डाल के अच्छे से उबाल के उसको गर्म, आपको जो है दूध पीना है गर्म, जिससे क्या होगा कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। आप तुलसी के पत्ते भी चबा सकते हैं दिन में जितनी बार भी आप चाहें, और तुलसी आप सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं या कुछ खाना खा रहे हैं तो आप तुलसी के पत्ते खा सकते हैं। आपको खाना खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको तीनों टाइम खाना खाना ही खाना है, आपका मन नहीं करेगा बट आपको खाना नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो और बाकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, मन पर बिल्कुल नहीं लेना है। अपने फैमिली मेम्बर्स का बिल्कुल ध्यान रखना है, कोई चिंता नहीं करनी है, आप बिल्कुल 17 डेज़ के अंदर आप बिल्कुल ही फिट हो जाएंगे।
और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, उनको समझाइए कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। अपने आस पड़ोस में सबको समझाइए कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके आस पड़ोस के लोग आपको देखेंगे तो एक बार घबराएंगे, उनको लगेगा कि हमारे आसपास कहीं फैल ना जाए। बट उनको बस यही बोलना है कि आप सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए और किसी के ज़्यादा संपर्क में नहीं आना। बिल्कुल पास, क्लोज टू क्लोज नहीं रहना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हमेशा मास्क लगा के रखना है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपके हैंड वॉश करने हैं। अगर आप बाज़ार में गए हैं या कहीं बाहर घूम के आए हैं, कहीं से भी आए हैं, आपको हैंड वॉश करने ही करने हैं। तो यही आदत अपने बड़े बुज़ुर्गों को डालिए, अपने घर वालों को डालिए, बच्चों को डालिए कि वो हाथ धोएं हमेशा, और हमेशा ही गर्म पानी पिए। अपने बड़े बुज़ुर्गों को हमेशा गर्म पानी पीने की आदत डालिए, बच्चों को, अगर आपका जो काढ़ा बन रहा है अपने बच्चों को भी पिलाइए, जिससे क्या होगा कि उनका भी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। बच्चों को बाहर घूमने के लिए मत भेजिए, क्योंकि आसपास में ये ज़्यादा फैलने का डर रहता है। बच्चे इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो बाहर ना निकलें, अपने घर पे ही रहें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको अगर कोई और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9971567473। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, हो सकता है कि मैंने भी कहीं असावधानियाँ बरती होंगी जिसकी वजह से मैं ये बीमारी पकड़ पाया। तो मेरी हर बंदे से रिक्वेस्ट है जो ये सुन रहा है, बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक, माता पिता, भाई बहन, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, तो मेरी सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है। तो आपको क्या करना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, मास्क लगा के रखना है और आपको हैंड वॉश करना है। और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मैंने आपको 4 से 5 चीज़ें बताई हैं वो हमेशा फॉलो करनी है। हमेशा गर्म पानी का सेवन करना है और अपना शरीर पे या मन में टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो आपको वैसे ही कमज़ोरी आ जाएगी। और आपको हमेशा सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, योगासन करना है, जिससे आपका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहे और आप इस बीमारी को ना पकड़ पाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप ध्यान रखेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि आप ध्यान रखेंगे और इस बीमारी से दूर रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।